रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। खबर हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। आम आदमी पार्टी के भाभी मेयर ओपी वर्मा ने कृष्णा कॉलोनी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाभी मेयर ओपी वर्मा जनता के सेवक वार्ड नंबर 14 कृष्णा कॉलोनी से निशा खिरालिया ने अपना परचम लहराया। संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और भी सर नगर निगम में रहे हैं और हमने ओपी वर्मा जी ने हमने साथ मिलकर नगर निगम की यूनियन चलाई थी। उस टाइम हमारे साथ स्वर्गीय श्री आदरणीय रमेश पाठा भी हुआ करते थे। तो ये बहुत सारी परेशानियां जो आज हमारे देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, हमारे जिले की जनता के साथ और ज्यादातर जो ज्यादा समस्याएं हैं वो हमारे वार्ड नंबर 14 के साथ, क्योंकि वार्ड नंबर 14 एक सलम बस्ती और यहाँ पूरा का पूरा, तो यहाँ इतनी समस्याएं हैं। मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं सामने, सब साथी जानते हैं और एक एक समस्या को 10-10 बारी उठा चुके हैं। सरकार तक वो समस्याएं पहुंचाई हैं, प्रशासन तक वो समस्याएं पहुंचाई हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचाई है, लेकिन ना तो सरकार के और ना प्रशासन के काम पर जू नहीं रहती, क्योंकि उनको अपने जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने का जो मौका मिला है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जनता से कोई सरोकार नहीं है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी साथियों के बीच में, आज पूरे देश में हमारे देश का किसान तरह तरह कर रहा है, हमारे देश के नौजवान तराई तराई कर रहे हैं, हमारे देश के छात्र छात्राएं वो तराई तराई कर रहे हैं, हमारे देश के मजदूर तराई तराई कर रहे हैं, और इन सारी चीजों का कारण है इस देश की निकलनी तो नहीं कहूंगा लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी सरकार कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो अज्ञानता के साथ इस देश को चलाना चाहती है, और जो जितने भी अंधभक्त जो कहते हैं कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, उन अंधभक्तों को ये मालूम होना चाहिए कि जो भाजपा कर रही है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस देश के अंदर सारे विभाग जो सरकारी विभाग फायदे में चल रहे थे वो सारे विभाग अपने चहीते लालाओं को बेचना शुरू कर दिया है और बहुत सारे बेच भी दिए। साथियों, भाजपा ने 2014 में सत्ता में आने से पहले तमाम देश के सामने मीडिया के माध्यम से वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो देश के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को नौकरी मिली? साथियों, आज नौजवान क्राइम की तरफ जा रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर रहा है, परिवार बढ़ रहा है, इसलिए वो क्राइम करने पर मजबूर हो रहा है, और ये सारी की सारी देन अज्ञानतावश इस भारतीय जनता पार्टी की है। तो साथियों, इन तमाम बीमारियों का इलाज, ये कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन आज भरपेट खा रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? जो उनके चहेते हैं, और वो खरबों रुपए लेकर के भाग गए इस देश से और कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अरे भाई चौकीदार, तेरी चौकीदारी में तो चोरी हो रही है, तो चोरी को कौन रोकेगा भाई चौकीदार? इसका मतलब जब किसी कंपनी में चोरी होती है, बड़े लेवल पर चोरी होती है, तो उस कंपनी का जो चौकीदार है वो उसमें शामिल होता है। जब देश का चौकीदार अगर चोर का साथ देने लग जाए तो क्या हमारे देश की जनता चाहेगी कि इसी चौकीदार को दोबारा से रखा जाए? तो कितने साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आउट करना चाहते हैं, विदा करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं? हाथ करके बता साथियों। और ऐसे कितने साथी हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने एक नारा दिया आम आदमी पार्टी ने कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का एक ही कारण केजरीवाल,
केजरीवाल केजरीवाल, तो ये नारा आप देंगे? आप में से अपने कहना केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। तो चौकीदार साहब के ऊपर एक छोटा सा दो लाइन मुझे याद आई है, उसके बाद मैं वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। अरे बोले अरविंद केजरीवाल, यू बोले अरविंद केजरीवाल, क्या बोले वारे देश के चौकीदार, यू बोले अरविंद केजरीवाल वारे देश के चौकीदार। पहले नंबर पे क्या कहा है, और चाहे बेचना देश चलाना चाहे बेचने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाहे बेचने जैसा काम नहीं है, और नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। और तुझसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार, वारे देश के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार, यू बोले अरविंद केजरीवाल वारे देश के चौकीदार। फिर क्या बोला, और एक किसान मजदूर, दोनों की बात कर रहा हूं, किसान मजदूर ना कर्जे चुकाए तो फांसी का फंदा, जो बेचारे लोन ले लेते हैं कर्जा नहीं चुकता है तो अपना फांसी लगा के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किसान भी बहुत सारे मरे हैं, और हमें इस चीज का रिकॉर्ड है, किसान मजदूर ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और विजय माल्या लंदन घूमे बीजेपी का बंदा, किसान मजदूर ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और विजय माल्या लंदन घूमे बीजेपी का बंदा, विजय माल्या लंदन घूमे बीजेपी का बंदा। और मेरा मोदी सुनने लायक बात है, अगर अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। और मेरा मोदी नाक के नीचे से हो गया फरार, वारे देश के चौकीदार, वारे देश के चौकीदार, यू बोले अरविंद केजरीवाल हमारे देश के चौकीदार। लास्ट में लास्ट पंक्ति रह रही है और उसको बड़ा गौर से सुनिएगा, क्या कहा, जो चोर है वो चौकीदार ने भगा दिया, उनके लिए बोला गया है, और जिन्हें जेल में लाना था वो घूम रहे लंदन में, जिन्हें जेल में होना था वो घूम रहे लंदन में, और अंध भगत सब चुप बैठे ये अजब दोगुनापन है, जिन्हें जेल में होना था वो घूम रहे लंदन है, अंध भगत सब चुप बैठे ये अजब दोगुनापन है, और रमेश जी पीछे ये बातें तो हो जाएगा गद्दार, तुम्हारे देश के चौकीदार, तुम्हारे देश के चौकीदार, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे देश के चौकीदार। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद सभी साथियों का, और मैं वर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार करूंगा कि इस छोटी सी कविता के ऊपर जो उनके मन को छू गए, उन्होंने माला प्रेरणा के मेरा स्वागत किया है। नवी वर्मा जी का जो भावी मेयर हैं, और खास करके निशा खेरालिया जी भावी पार्षद, और राघव जी, और जितने भी अपने वडाना जी, जितने भी सज्जन आए हैं ऐसी नगर से, मेरे बहुत अच्छे प्रिय मित्र आए हुए हैं, सभी लोग पत्रकार बंधु आए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपील करता हूं आज के कार्यक्रम मेयर, भावी मेयर आपके द्वार, भावी पार्षद आपके द्वार, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में
भाई जयपाल हंस जी जो नगर निगम के पूर्व दरोगा भी रह चुके हैं, 2 मिनट का समय देंगे जयपाल हंस जी। जयपाल हंस जी आए, 2 मिनट अपनी बात कहेंगे ऐसी नगर से जो आए। और हमारे बहुत ही सीनियर नेता, बहुत ही सीनियर साथी जयपाल चंदीला जी आए हैं, उनका यहाँ आने पर जोरदार तालियों से स्वागत। जयपाल चंदीला जी और साथ में जोगिंदर चंदीला जी आए हैं, उनका भी स्वागत। जयपाल हंस जी ऐसी नगर से अपनी बात रखेंगे। जयपाल हंस जी आज वार्ड नंबर 14 कृष्णा नगर में भावी मेयर आपके द्वार, भावी पार्षद उम्मीदवार आपके द्वार कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा का जो आयोजन यहाँ किया है उसमें पहुंचने पर मैं सभी साथियों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का धन्यवाद करता हूं। और ज्यादा साथियों बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बातें अभी रखी हैं गौतम जी ने विस्तार से उस पर चर्चा की है, बहन निशा खैरालिया ने भी विस्तार से चर्चा की है यहाँ की समस्याओं की, तो समस्याओं का अंबार है स्लम एरिया में। और वार्ड नंबर 14 में स्लम एरिया ही ज्यादा आता है, तो आज तक अनदेखी रही है हमारे इस वार्ड की, और एक बार फिर उम्मीदें जगी हैं आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें विश्वास ज्यादा है लोगों का, लोगों के मन में ये भावना आई है कि आज अगर हमारा उद्धार कोई पार्टी कर सकती है, किसी पार्टी के नेता कर सकते हैं, तो वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि सामने दर्शा दिया है, दिखा दिया है, दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां पर गरीबों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे सभी भली भांति परिचित हैं। जो सबसे जरूरी चीजें होती है गरीबों के लिए, बिजली और पानी ये मुफ्त दिया जा रहा है, राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है, और शिक्षा मेरी स्पीच इसका प्राधिकरण आज हो गया है, बिजनेस पॉइंट बन गया है, शिक्षा का शिक्षा भी मुफ्त कर दी है, और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा वहाँ के सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। इसी तरह पंजाब में भी इसी तरह के काम आम आदमी पार्टी कर रही है, तो हम आशा करते हैं हरियाणा के लोग, फरीदाबाद के लोग भी ये आशा करते हैं कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो नेतृत्व करे हरियाणा का और गरीब लोगों का उत्थान करे, उद्धार करे। इसकी शुरुआत नगर निगम से ही होनी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सौभाग्य की बात है हमारे बीच में भावी मेयर पद के उम्मीदवार आदरणीय ओपी वर्मा जी जो हमारे ऑफिसर रहे नगर निगम के, रिटायर हो गए काफी पहले, उनकी भावना है सेवा करने की। तो मैं ये समझता हूं कि नगर निगम के क्रियाकलाप हैं जो उनको इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा भाई, कोई साथी अपने 25-30-40 साल लगाता है, अपने जीवन का जो मुख्य समय होता है जीवन का वो उसमें लगाता है, तो उसको वहां से काफी तजुर्बा होता है। गौतम जी, आरबी गौतम जी रिटायर है नगर निगम से, यूनिट चलाई है काफी, इनको भी तजुर्बा है, तो मैं समझता हूँ बहन निशा खरालिया को मार्गदर्शन मिलेगा, और बी कॉम है वो, पढ़े लिखे उम्मीदवार की आज जरूरत है। आपके बीच में चुनाव का समय है, देर सवेर बहुत सारे उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे और अपने लिए वोट की आपसे अपील करेंगे। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आज विचारने का समय है, सोचने का समय है। ये वोट का जो अधिकार हमें मिला है बड़े संघर्षों के बाद, इसको हमें आसानी से किसी को नहीं देना चाहिए इस अधिकार को। मत अधिकार, अपने मत का अधिकार हमें सोच विचार कर करना चाहिए, किसी लालच में आकर हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हमने ये तय करना है कि कौन सा उम्मीदवार काबिलियत रखता है हमारी बात को वहां सदन में उठाने की, कौन सा उम्मीदवार हमारे हिस्से का पैसा, हमारी वार्ड का पैसा लाकर हमारी वार्ड में लगा सकता है, ये सारी बातें हमें विचार करनी है।
हमें भावनाओं में बहकर भाई भतीजावाद, रिश्तेदारीवाद, जातिवाद में ना जा करके हमें ये तय करना है सोच विचार करके कि हमारा उद्धार कौन कर सकता है, हमारा हमारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। इन सारी बातों पर आप गंभीरता से विचार करें और अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को जो और वार्डों में भी रहते हैं उनको भी ये कहें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आप लोग वोट दें। उम्मीद आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो फरीदाबाद का उद्धार करेगी और उसके बाद हरियाणा का भी उद्धार करेगी। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले इलेक्शन जब भी हो तो उसमें आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मेयर पद के उम्मीदवार हैं जो भावी उम्मीदवार ओपी वर्मा जी वार्ड नंबर 14 से अपने उम्मीदवार हैं निशा खैरालिया जी, इनको वोट करें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल हंस जी का। और अब इन्हीं के नाम राशि जो बहुत सीनियर साथी हैं जयपाल चंदेला जी, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा सीनियर साथी हमारे और जितना आदर से मैं कह सकता हूँ नहीं कह पा रहा हूँ, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। जयपाल चंदेला जी अपनी बात कहें। जयपाल चंदेला जी, तालियों से स्वागत। आदर और सम्मान के योग्य आज की सभा की आयोजक ईशा खरोलिया जी, अपनी बेटी भैरवनेश गौतम, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गो माता बहनों प्यारे बच्चों वो नौजवान साथी हो, आज आपका जनसमूह देखकर बड़ी खुशी हो रही है और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे फरीदाबाद के भावी मेयर श्री ओपी वर्मा जी ने इस शरम बस्ती में आकर हमारे साथियों को हौसला अफजाई किया, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। साथियों, जहां तक ओपी वर्मा जी का ताल्लुकात है, इनके बारे में तो दुर्घाई है कि उन्होंने हमेशा से ही गरीब मजदूर असहाय लोगों को अपना कंधा दिया है, खासतौर से ऐसे लोगों को जिन्हें की उम्मीदों को क्षितिज से उभरने नहीं दिया गया हो। ऐसी उम्मीदों का उदय होते आज हम माननीय ओपी वर्मा जी जो देखने लगे हैं और मुझे उम्मीद है ये सूरज इसी तरह चमकता रहेगा क्योंकि उनके साथ लाखों लोगों के आशीर्वाद जुटे हैं जिन्हें ना कहने का देव शक्ति भी साथ नहीं जुटा पाती है। कीर्तिमान स्थापित करने वालों के पैरों से रुद्ध हुई फरीदाबाद की पठार भूमि ने जल्ले इस शहर की पच्चाप ही नहीं गुणराज गुण लोगों के कानों तक पहुंच लगी है जिन्होंने फरीदाबाद की भूमि को जीर्णहीन समझ रखा था। अब उन्हें पता चल गया कि शेर का बच्चा भागने लगा है। इस शौर्य मर्यादा और हिम्मत का नाम ये ओपी वर्मा है और हम उन पर गए हैं। जहां तक बहन क्या कहूँ, बेटी निशा जो है, मैं बहुत दिन से इनको संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ। साथियों, आज एक बात मैं आपके बीच में कहना आया हूँ, कहते हैं जिसका फटे न बुराई वो क्या जाने तीर पर आई। आज हम चुनाव के टाइम में क्षणिक लालच में आकर ऐसे लोगों को जिता बैठते हैं जिन्हें कि समाजों के सरोकार से कोई लेना देना ही नहीं होती। आज हम 5 साल बाद हर बार पछताते हैं कि वोट देकर पछताए कुछ नहीं हो रहा। कारण यह है कि जहां पर देश और प्रदेश की नीतियां बढ़ती है वहां हम ऐसे लोगों को लालच में बैठा देते हैं जिन्हें गेहूं के पेड़ का भी पता नहीं होता। जब तक उस समय पर किसान और मजदूर का बेटा हाथ में जूती लेकर कंधे पर गमछा लेकर वहां तक नहीं पहुंचाओगे जब तक तुम्हारे हक का कोई कानून नहीं बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए अपने बीच के मजबूत लोगों को चुनो और जहां ये नगर निगम का चुनाव है ये चुनाव को अपने आप में बहुत अहमियत है। चंडीगढ़ में जब चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसका असर सीधा पंजाब में पड़ा था और आपके नगर निगम की जीत का असर पूरे हरियाणा में सरकार बनेगी। और जो सुविधाएं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दे रही है ये तभी संभव है जब हरियाणा में सरकार बनेगी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं,
वैसे मेरी तबीयत ढिल है, फिर भी नीति और नियत किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर नीति जाने अनजाने में गलती बन जाए और नियत साफ हो तो गाड़ी दूर तक चल जाती है। उस सरकार की जो आपके बीच में थ्री इंजन की बनी पड़ी है, इस सरकार की ना तो नीति सही है ना नियत सही है। इसने आम आदमी को बर्बाद करके छोड़ दिया। आपने देखा होगा गुजरात में सबसे ज्यादा हीरा व्यापारी है, उन पर डेढ़ रुपया जीएसटी और गरीबों के आटे दाल रोटी पर जो खुला चीज है उस पर भी 5%। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। कहते हैं आज सबसे ज्यादा भुखमरी हिंदुस्तान में मर रही है। 10,000 करोड़ अंबानी अडानी का माफ किया, क्या जो तीन की माफ करने की। लेकिन साथियों आज ये उनके मुताबिक नीति बना रही है और गरीब आदमी को रोड पर ला दिया है। आप लोगों से मेरा निवेदन यही है, एक बार कहीं हंसों की पंचायत हो रही थी और एक कुंवारी सफेद पेंट करके इनके बीच में बैठ गया तो उनका मुखिया कह रहा पंचों कुछ बात समझ में आई, तो कहने लगे कुछ कुछ कुछ। उसने जब बच्चे की तरफ देखा बोला बच्चे तेरी बात समझ आई, बोला कहाँ कहाँ कहाँ, बोले हमारी समाज का हो ही नहीं सकता, हमारी बिरादर में तो कुछ कुछ डीजल लेते हैं। तो कई भोगी लोग तरह तरह के रूप धारण करके बहरूपिया बनकर आपके बीच में आएंगे। आपने पहचाना कि आपका हितेश हो सकता है नहीं हो सकता, मैं ज्यादा देर नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे तरह दिल में धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल चंदीला जी सीनियर नेता जी का। अब मैं निवेदन करूंगा जिसका आप सभी साथियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, हमारे नगर निगम के भावी मेयर आदरणीय ओम प्रकाश वर्मा जी, तालियों से स्वागत साथियों, ताली बजाकर। सबसे पहले इस तिरंगे को देखकर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर असीम हमारे सीनियर नेता जयपाल चंदीला जी, रमेश गौतम जी, मेरे भाई साथी मुलकराज भराना जी, और सबसे बड़ी बात निशा खेरानिया जी जो आपके लिए उन ताकतों से लड़ रही है जिन्होंने आपके सारे अधिकार छीन रखे हैं। निशा खेरानिया का ताड़ियों से जोरदार स्वागत। मेरे साथी सौरभ महेश जी और निशा खेरानिया की छाया सहेली साथ देने वाली, और आप एसी नगर से, कृष्णा कॉलोनी से, और भी मैं देख रहा हूं दूर दूर से आए हुए मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान साथी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं आपके बीच में कोई नया नहीं आ रहा हूं। ये कृष्णा कॉलोनी वो जगह है जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरा घर नीलम चौक के पास एक सेवा सदन है जहां पर अनाथ और गरीब लोग रहते थे। मैं भी उसमें पला बड़ा। जब मेरे 6 साल में मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं 6 साल की उम्र में इन्हीं कॉलोनियों में, इसी जगहों पर, जब ये घर भी नहीं बने थे, मैं आकर मजदूरी करके अपनी जिंदगी को चलाता था। तो आपका ही साथी हूं, आपकी कॉलोनी का बच्चा हूं। निशा खेरानिया भी आपके इलाके की बच्ची है। अब और पहले के चुनाव में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ छोटी सी बात सोचनी है। जो लोग आज तक चुनाव जीतने के बाद आपके बीच में कभी कोई दुख तकलीफ पूछने आए, कोई समस्या देखने आए आपके बीच में, कोई एमएलए, कोई मेयर, कोई सांसद आया क्या? नहीं आया। तो आप सावधान हो जाओ, उन लोगों के दिमाग में अभी ये चुनाव आएगा,
हम झूठ सच बोलेंगे और आप लोगों को बदनाम करते हैं, जिसके लिए मैं उनको लड़ाई करता हूं। बोलते हम जाएंगे, उनको शराब देंगे, उनको पैसे देंगे। अरे गरीब पे तुम कोई भी जुल्म की सजा लगा दोगे? सबसे ज्यादा लालची तो वो है जिन्होंने हम गरीबों का पानी छीन लिया, हम गरीबों का खून पी लिया। तो हमारे गरीबों को अगर ये बोलेंगे कि हम उनको खरीद लेंगे, मैं उनको साफ बोल देता हूँ, ये गरीब ही होता है जो ईमानदार होता है, खुदार होता है और इज्जतदार होता है, अपने मान सम्मान के लिए भी कहीं तक दे सकता है। मेरे साथियों, रमेश गौतम जी 40 साल तक नगर निगम में रहे, उन सफाई कर्मचारियों मजदूरों जो सीवर में डुबकी लगाता है उसके दर्द को भी हमने मिलकर देखा है। जब उस पे 1996 में बंसीलाल की हुकूमत ने गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को, 8,000 लोगों को नौकरी से बेघर कर दिया, गरीब बहनों को जेलों में डाल दिया, पुलिस ने अत्याचार किए, उस वक्त रमेश गौतम जी ने और मेरे नगर निगम के कई साथी बैठे हैं जिनको देख पा रहा हूं, इन सब ने वो कुर्बानी दी जिसकी आज मिसाल है। हम नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए, हम नौकरी से शहर से बाहर निकाल दिए गए, पुलिस की जेलों में डाल दिए गए, लेकिन हमने हौसलों को, हिम्मत को नहीं छोड़ा। कभी भी आप पक्षी देखते हैं आसमान में, कभी पंखों से नहीं उड़ता, ये हमारी भूल है। पंछी उड़ते हैं अपने हौसलों से। गरीब आदमी भी वही कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जो एक अमीर आदमी वहां बैठ के सोच रहा है कि मैं कैसे खरीद लूंगा। आज आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी केवल एक विकल्प लेके आई है। 50-60 साल से कांग्रेस बीजेपी ने जो हमारी झुग्गियों को झुग्गी ही रहने दिया, कहीं ये पक्के मकानों में चले गए, कहीं इनको भी हमारी इतना एसी मिल गया तो वोट देने नहीं आएंगे। इनको इसी तरह गरीब रखो, इनको मूलभूत सुविधाएं मत दो, इनको जो भी सुविधाएं वो मत दो, इनको गरीब रखो ताकि हमारी जो है दया के पात्र बने रहे, आटा दाल हमें फ्री में देके हमारे को गुलाम बना ले, हमारे घरों की छतों को तोड़ने के लिए। आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मेरी एक बहन बैठी है, मैं नाम नहीं जानता, वो खड़ी होकर बताएगी। अभी रेलवे स्टेशन के पास निशान लगा दिए गए कि कृष्णा कॉलोनी के घर के घरों को बेघर किया जाएगा। मैं आया था बहन, और उनको मैंने वो ललकार लगाई, वो फटकार लगाई। आज भी मैं माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस कृष्णा कॉलोनी के मकानों की बात तो छोड़ दो, एक ईंट भी लाकर दे दी तो यहाँ पर हम अपनी कुर्बानियां दे देंगे। मेरी बहन निशा खिरालिया को आप पार्षद बनाओ, इतनी गरीब का दर्द गरीब जानता है। तो अमीर आएगा कैसे दिखाकर, वो सोचेगा मैंने अपना चुनाव जीत लिया, वो आपका दुख दर्द नहीं समझ पाएगा, दुख दर्द समझ पाएगी मेरी बहन, मेरी बच्ची निशा खिरालिया। आप इस वक्त ये सोच लो कि अपने निशा खिरालिया को मैंने पार्षद बनाना है इस वक्त और वहां भेजना है, और वहां आपका ये सेवक, ये आपका बच्चा ओपी वर्मा मेयर के रूप में बैठा होगा। ये वो मेयर नहीं है, ये वो मंत्री सांसद नहीं है जो जाकर सिर्फ चुनाव के दिन दिखेंगे और अपने घरों के अंदर देख रहे हैं। 5 साल से फरीदाबाद बर्बाद हो गया। एसी नगर के साथी आए हुए मैं पहचान पा रहा हूं, 2004 की बात है, मैं बताता हूं 2004 या 3 हो सकता है, चौटाला की सरकार थी, इन झुग्गियों को बेघर करने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया था। तो जानते हैं ये बात 2003 और 4 की, आपको मालूम भी नहीं कि वो कैसे बचे। मेरे साथ एसी नगर के कुछ साथी आए, मैं सरकारी अफसर था, हाँ हो सकता है मैंने गद्दारी की हो, मैं 100 बार गद्दारी करूंगा, गरीब के लिए मैं लड़ूंगा मरूंगा, 100 बार गद्दारी करूंगा। उस वक्त चंडीगढ़ से हमने एक स्टे ऑर्डर भिजवाया था, जब पहले के मंत्री थे, लोग थे, वो बोलते थे स्टे ऑर्डर हमने भिजवा दिया और झुग्गियां बचा दी। वो स्टे ऑर्डर हमारे एसी नगर के 4 साथी गए थे और मैंने उनको भेजा था, और उन्होंने वहां फैक्स किया था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में बहुत डरपोक होते हैं ये लोग, और वो थरथरा के कांपे और एसी नगर तब से बच गया, उसके बाद कृष्णा कॉलोनी भी बच गई। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं अपने अनुभव के साथ, अपनी गरीबी के दुख दर्द को देखकर मैं महसूस कर पा रहा हूं, मेरे कृष्णा कॉलोनी के लोगों को रोज ये समझाया जाता है कि आप सरकारी जमीन पे बैठ गए, आप कभी भी झुग्गी तोड़ देंगे, आप रेलवे लाइन के पास आ गए, कभी भी झुग्गी तोड़ देंगे,
मैं पूछता हूं उनसे जिनसे पांच पांच एकड़ के महल बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं मंत्रियों के, सांसदों के, एमएलए के, क्यों नहीं उनके 100-100 गज के फ्लैट करके झुग्गियां बना दी जाती? बहुत सारे एमएलए रह लेंगे, तो हमारी इन गरीब लोगों के ऊपर नजर ना डालें। और मैं आपको कोई आश्वासन दे के नहीं दूंगा, कोई आश्वासन नहीं दूंगा, हाँ वचन दे के जाऊंगा। मेयर बन गए हम, परमात्मा ने आपकी सुन ली, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली, तो मैं आपको अपना वचन दे के जा रहा हूँ। मेरी निशा खराड़िया बहन पार्षद बनेगी, मैं मेयर बन के सबसे पहला काम कृष्णा कॉलोनी को पक्का किया जाएगा और इसकी रजिस्ट्रियां करी जाएंगी, इसके नक्शे पास करने का आदेश देंगे। कोई आके मेरे किसी भी गरीब झुग्गी झोपड़ी को, हमने इसी तरीके का भावी मेयर आप कार्यक्रम हमने आदर्श कॉलोनी में किया, वहां भी यही हालात है। फिर हम उसके बाद में गांधी कॉलोनी में हमने जगह अनेकों ने जगह किया, वहां भी यही हालात है। और दो दिन पहले हम पहाड़ी के ऊपर नेहरू कॉलोनी में काली माँ की मंदिर की शरण में हमने ये प्रोग्राम था, लोगों को वहां पीने का पानी नहीं मिलता, जरा समझ नहीं आती उनको कि एक टैंक ऊपर पहाड़ में बना दें, बिना मोटर के बिना बिजली के उनको पानी मिल जाएगा। इसी तरीके से कृष्णा कॉलोनी के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, इतने अमीर नहीं है ये बोतलें खरीद सके। मेरे को पानी पीते हुए जोर पड़ रहा था, मैंने पिया नहीं, ये घूट पिया ताकि आपको मैं बोल सकूं, क्योंकि गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा और ये बोतलों में बंद पानी पीकर हमारे नेता हमारे मंत्री व्यापार कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं। तो मेरे कृष्णा कॉलोनी के भाई बहनों, आज आपके बीच में आए हैं, मेरे को कोई भाषण देना आता नहीं, मैं राजनीति नहीं जानता, मैं अपने मजदूर सफाई कर्मचारियों के साथ, सीवर मैनों के साथ, वो सीवर में डुबकी लगाते थे मैं उनका हाथ पकड़ कर उनको बाहर निकालता था, आपके बीच में से आया हूँ। कृष्णा कॉलोनी, एसी नगर, मिलाड कॉलोनी और जो भी झुग्गियां हैं, जो भी हमारी कॉलोनी बस्तियां हैं, सारे लोगों के जो अधिकार छीन लिए गए, आज आप देखते हैं आपकी वो मस्जिद है और इधर ही मंदिर था, कितने भाईचारे से आप रहते हो। सच बोलता हूं, अगर किसी ने भाईचारा देखना है तो कृष्णा कॉलोनी में, और उस भाईचारे के आगे मैं अपना सर झुकाता हूं। मेरे कृष्णा कॉलोनी के भाइयों बहनों मताओ, मेरे युवा साथियों, अभी बहन निशा खिलाड़िया ने बताया आम आदमी पार्टी बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक बना रही है और पानी पीने का भी व्यवस्था करके फ्री दे रही है, स्कूलों में अच्छा प्रावधान कर रही है। दिल्ली में हमने जो वादे किए आम आदमी पार्टी ने पूरे किए, खुश होकर हमें पंजाब के अंदर लोगों ने बड़ा बहुमत दिया और आज पंजाब के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक हो रही है। और फरीदाबाद वो नगरी है जहां पर इतने उद्योग होते थे, जब मैं छोटा सा होता था इस रेलवे लाइन के पास मेटल बॉक्स, कैल्विनेटर, लक्ष्मी रतन, इतनी कंपनियां थी बड़ी बड़ी, जिन लोगों को सरकारों ने, शासन प्रशासन ने तंग करके यहां से भगा दिया। ये नहीं सोचा आज हमारे नौजवान अपना रोजगार कहां से कमाएंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं, वचन देता हूं, मेयर बनते ही यहां पर हम उद्योग नगरियों को वापस लाएंगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की इंटरनेशनल उद्योग नगरियां बसाएंगे, हमारे किसी बच्चे को परदेशी नहीं बनना पड़ेगा रोजगार के लिए। मेरे भाई बहनों, आप थकना मत, हौसले बुलंद रखो, आज एक मौका है आपके पास, चार पांच दिन के बाद आपको सुनने का मिल जाएगा नगर निगम का चुनाव कब हो रहा है, किस तरीके हो रहा है। मैं ओपी वर्मा मेयर के रूप में आपके बीच में आ चुका हूं, मेरी बहन निशा खिलाड़ी आ चुकी हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है चुनाव लड़ने का। जब बात होती है तो हमने आपस में सबने एक संगठन बनाया गरीबों का, हम उन ताकतवर ताकतों को, बीजेपी पार्टी जिन्होंने लूट खसूट करके अपने को धनवान बना लिया है, कांग्रेस जिसने लूट खसूट करके गरीबों के हक मारकर अपने आप को ताकतवर बना लिया है, आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, अपना आशीर्वाद दिया, दुआएं की हमारे लिए, मंदिर मस्जिद में आपने हमारे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला से भगवान से हमारे लिए प्रार्थना की, तो हम आपको वचन दे के जा रहे हैं। ये पार्षद और ऐसे ही और बहुत सारे पार्षद और मैं मेयर के रूप में आके आपके अधिकारों के लिए हाथ नहीं जोड़ेंगे, लड़के आपके काम करवाएंगे और आपको सुख और खुशहाल जिंदगी देंगे। आप ये मत सोचें कि मैं भाषण दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं मालूम, मेरी आत्मा जो आपकी कॉलोनियों में आकर देखती है, गरीब बस्तियों में आकर देखती है,
बड़ा दर्द होता है मुझे, क्योंकि मैंने नंगे पांव इन बस्तियों में अपनी जिंदगी गुजारी है। तो मैं नहीं चाहता आने वाले हमारे ये बच्चे अभी भी नंगे पांव खड़े हैं, ये नंगे पांव ना चले, इनके बदन पे अच्छे कपड़े हो, जैसे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे स्कूलों में पढ़े, जैसे हॉस्पिटल में इलाज औरों को मिलता है वैसे हमारे कॉलोनी बस्तियों को भी मिले, जैसे जीवन ये और जी रहे हैं वैसे ये भी जी सके। क्यों इंसान को गरीब और अमीर के अंदर इतना नीचे खाई बना दी गई कि आज महंगाई तो थी बेरोजगारी भी थी, और उसके बाद अभी आपने सुना जयपाल चंदेला जी ने बताया आटे पर नमक टैक्स लगा दिया गया, बच्चे दूध जो हमारे देश का भविष्य है इनके दूध पर टैक्स लगा दिया गया, यहां तक कि नमक पर टैक्स लगा दिया गया जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। और आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों को भगाना था नमक छोड़ो आंदोलन किया था, दांडी यात्रा आप इतिहास में देखना। मैं आपको फिर बता रहा हूं यहां से आपके मीडिया के माध्यम से इस कृष्णा कॉलोनी से शासन प्रशासन और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, नमक और आटे पर टैक्स हटा दो, हटा दो, हटा दो, नहीं तो लाखों लोग दिल्ली के बाहर कूच करेगा और आपको मजबूर कर देगा। आप अगर वो नहीं कर पाएंगे आम आदमी पार्टी आकर आप झाड़ू पे निशान पे चुनाव चिन्ह पे निशान लगाएंगे, मेरी निशा बहन को खरियाले को मैं पल्लू लगा के कर रहा हूं, मेरी बहन को वोट देना, मेरी बहन जीत जाए आप देखना आपके सारे दुख दर्द दूर करके देंगे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपके लिए बिना वोट के भी लड़ सकता हूं, बिना मेयर बने भी मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं अगर ऐसी नगर को बचा सकता हूं रेलवे कॉलोनी के साथ लगी कृष्णा कॉलोनी झुग्गी बचा सकता हूं तो मैं ऐसे बहुत सारे काम खुद कर सकता हूं, लेकिन मेरी कलम में ताकत आ जाए मैं एक साइन करूं 2,00,000 गैलन का पानी का टैंक बन जाए जो मेरी कॉलोनी पूरे लोगों को पीने का पानी मिल जाए। आज आपके विश्वास टूट चुके हैं, आपके दिल टूट चुके हैं, लेकिन हौसलों को मत टूटने देना, क्योंकि हर आदमी देख रहा है हमने गरीबों को इतना तोड़ दिया है, इतना उनके हौसले तोड़ दिए हैं, वो मजबूर आकर हमारी पार्टी को वोट देंगे, थोड़ी सी हम बख्शीश देंगे और वोट को हम खरीद लेंगे। उनको मैंने खुले शब्दों में बता दिया है हमारा गरीब किसी तरीके से मान सम्मान के लिए लड़ना जानता है, अब वो दिन नहीं है कि आएगा कोई और झूठ सच बोल के वोट लेके जाएगा और अपना राजा बन जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। आप ही ताकत हो, आपने अपना नुमाइंदा चुनना है, जो आप चुनेंगे वही आपका आपके बच्चों का आने वाले भविष्य का वही फैसला कर सकता है। आप ऐसे लोगों को मत चुनना जो आप एक दिन के लिए वोट देके किसी प्रकार का कोई आपको खुशी महसूस हो जाए 5 साल तक आपको फिर पीड़ा से गुजरना पड़े, इस बात से मेरे सभी साथी लोग सावधान रहेंगे इस बार। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कृष्णा कॉलोनी गंगा यमुनी की तहजीब है, मंदिर को देखा मस्जिद को देखा मैंने, तो इसको देख के मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा आप इसको सुनेंगे, कोई कहता राम मंदिर में, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता यीशु चर्च में गुरुद्वारे में वाहेगुरु सतनाम है, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता यीशु चर्च में गुरुद्वारे में वाहेगुरु सतनाम है, वो ना रहते कैद दीवारों में कण कण में भगवान है, मंदिर मस्जिद में जाने से कतराते हैं, मंदिर मस्जिद में जाने से कतराते हैं, जरा ही तकनी आती जब महफिल में जाम टकराते हैं, सब एक हैं सब नेक हैं नहीं इनमें फर्क है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च है। क्यों राजनीति के नेता जैसे नचा रहे हैं, क्यों राजनीति के नेता सबको नाच नचाते हैं, चलो उस मालिक के इशारे पर जो संसार चलाते हैं। ओपी वर्मा, ये मेरे बच्चे तिरंगे झंडे को लेके शान से आए, मुझे बड़ा गर्व हुआ। मेरे साथ ही एक मुल्लाकराज भड़ाना बैठे हैं, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ
आपको कुछ तस्वीरें मिलेंगी, कुछ लोग बताएंगे। ये मेरे साथी थे, हम 11 लोग फरीदाबाद से पैदल चल के कारगिल युद्ध में गए थे। पैदल चलते हुए 21 दिन में पहुंचे थे। हमें भारत की सेनाओं ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया, परंतु हमें आज दुख इस बात का है, हम सीमाओं पे तो लड़ लेंगे, गैरों से तो लड़ लेंगे, जिन्होंने हमारे गरीबों के हक छीन रखे हैं, हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उनसे लड़ने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी ताकत, आपका वोट तो बहुत जरूरी है भाई, आप पूरा आशीर्वाद देना। मेरे कृष्णा कॉलोनी के साथियों, आपकी कॉलोनी का नाम भगवान कृष्ण के नाम से है, कृष्णा बना कृष्ण कॉलोनी के नाम से है। धर्म युद्ध की बात है, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान स्वयं अवतार लेंगे। लेकिन आज भगवान ने कहा है कि जब जब आपके ऊपर जुल्म होगा, आप अपनी आवाज, अपनी ताकत खुद बन के अपनी आवाज को उठाएंगे। इन शब्दों के साथ आप बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंकलाब, 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 वंदे, वंदे, वंदे। आने वाले रक्षाबंधन पे मेरे को कल 1000 बहनों ने एक राखी बांधी मिलकर, और मेरी बहनें उसमें भी बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरा शहर है, मेरे बुजुर्ग हैं। इस राखी को मैं साक्षी मान के बोल रहा हूँ, जैसे मैं अपने बहन परिवारों की रक्षा करता हूँ, आपकी झुग्गी झोपड़ियों की सहायक सबकी रक्षा करूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, ये मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ। मेरी बहन निशा खुलालिया, निशा करालिया, आप इसको जिता दोगे तो मैं मेयर बन गया, क्योंकि इसकी जीत बहुत जरूरी है। ये मौका आपने गंवा दिया, कोई गलत आदमी आ गया, कहीं उसने झूठ सच बोल के अपना चमकती हुई गाड़ियां दिखा के, चमकती हुई लालचें दिखा के कहीं छीन लिया हमारी हुकूमत को, फिर 5 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के है, गरीब का दर्द गरीब जानता है, आप निशा करालिया को जरूर कामयाब करना। और आज मुहर्रम का दिन था, हमारे भाइयों ने मुहर्रम मनाया, हजरत मोहम्मद साहब हमें भाईचारे का पैगाम दे के गए, हम उनको भी वास्ता देते हैं, हम सब मिलजुल कर अपनी धरती पे रहेंगे, भारत माँ को बहुत सुंदर बनाएंगे, और मिलजुल कर अभी 15 अगस्त आ रहा है, हम सारे आजादी का तिरंगा झंडा लहराएंगे, हमारी रगों में, हमारी नसों में, हमारे खून में तिरंगा रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब दूसरे देश जो हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के मूड में रहते हैं, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमारा सारा भारतीय हिंदुस्तान एक भाई बनकर, एक भारत माँ का लाल बनकर रहेगा। इन शब्दों के साथ, बाहरी ताकते हो, अंदरूनी ताकते हो, किसी को जुल्म करने की इजाजत नहीं देगी। आम आदमी पार्टी, ओपी वर्मा, निशा करालिया, ये आज आपको वचन देके जा रहा है, दिन रात 24 घंटे जब भी तक भी हमारे जिसमें सांस है, हम आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आपके हकों के लिए, आपसे छीने गए अधिकारों के लिए हम अपना लड़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत दूर दूर से आप लोग आए, मीडिया का बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारी कमजोर आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाता है, और आप सब भाई बहनों का, एसी नगर का खास तौर पे, कृष्णा कॉलोनी का परिवार हमारा, एसी नगर झुग्गियों का, और हो सकता है मिलाड कॉलोनी ऑटो पिन से भी कोई आए हो, मैं सभी गरीब साथियों का मैं सर झुका के नमन करता हूँ, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पे निशा फिरालिया जी का, रमेश गौतम जी का, जयपाल जमीलर जी का, मुलक राय फिराना जी का, और मेरे सौरभ साथी, सौरभ भाटवा साथी का, और महेश जी का, और मेरी निशा फिरालिया की बहन जो मित्र हैं उन सबका, और आप सबका बहुत धन्यवाद। और इन दो शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और एक बार तस्वीर बोल दीजिए, क्योंकि तिरंगा देख के फिर मुझे होता है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत। वर्मा जी पसीने में नहा गए सभा को संबोधित करते करते,
पिछले बार में आप आए, कैसा लग रहा है आपको? चाय नाश्ता लेके जाएंगे कोई साथी बगैर चाय नाश्ता? वर्मा जी कृष्णा कॉलोनी आए हैं, पसीने में तरबतर हो गए, कैसा लगा आपको? ये तो अमृत है, ये पसीना तो उनके लिए है जो इसी में बैठे हैं, हमारे लिए तो ये अमृत है। जब हमारे जिस्म से ये निकलता है तो हम सोचते हैं गंगा की लहरें निकल गई, हम तो भोलेनाथ का और यहाँ पे अपने हजरत मोहम्मद साहब का हर बंदे को सर झुका के नमस्कार करते हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। हमने अभी बताया दिशा खरालिया जी को यहाँ पार्षद बनाना वार्ड 14 में, और मैं मेयर ओपी वर्मा बनूंगा इस इलाके में। 45 पार्षद आम आदमी पार्टी के और आएंगे। आपको बता दिया गया है पंखों से उड़ान नहीं होती है, उड़ान होती है हौसलों से, और हमारे हौसले बुलंद हैं। एक बहुत बड़े स्तंभ है आम आदमी पार्टी के, आप और आपके साथ जो पार्षद पद की उम्मीदवार हैं उसके बारे में, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? निशा खरालिया, मैं भी बीएससी नॉन मेडिकल, सिविल इंजीनियर, रूरल इंजीनियर, कम्युनिटी एंड सोशल लॉजिका मैं डिग्री प्राप्त व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार से निशा खरालिया ने इस हालात में रह के ग्रेजुएट बनी, बीकॉम पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, जो कि आज देखते घोटाले हो रहे हैं। तो मैं निशा खरालिया पार्षद बनेगी, फाइनेंस का जिम्मेवारी इनको देंगे ताकि कोई घोटाले ना कर सके, गरीबों का गरीबों को मिले, इस विश्वास के साथ निशा खरालिया के लिए मैं सबसे आए हैं। आपको जनता का समर्थन कैसा लगा भाई? ये मेरी जनता, ये मेरी आत्मा में बसी हुई है, मेरा परिवार मुझे मिल गया, मुझे ऐसे महसूस होता है। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इन परिवारों के लिए, अपने इन माओ भाव बहनों और बच्चों के लिए अपनी हम कुर्बानी देंगे और अपने इनके सबके हकों को हम और भी वार्डों में आप जा चुके हैं और इस बार का भी हाल आपने देखा, क्या है इस बार का हाल? इस बार का हाल जैसे हम उतरे मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ था, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, पीने का पानी यहाँ लोगों को मिल नहीं रहा, अंधेरी गलियां हैं, रेलवे लाइन के पास कभी लोगों को डराने आते हैं तुम्हारे घर तोड़ देंगे, कभी इधर से आते हैं घर तोड़ देंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आती है, हम मेयर बनते हैं, तुरंत इनके पूरे विकसित किया जाएगा क्षेत्र, इनको रजिस्ट्रियां करके देंगे और इनके अच्छे घर बनाने के नक्शे पास करके देंगे। जिन लोगों के पास पैसे की कमी होगी नगर निगम में हम अनेकों अनेक प्रोजेक्ट बनाएंगे, आके साधन बनाएंगे और उनको हम उस घर बनाने में भी मदद करेंगे। वर्मा जी अभी किस प्रकार सहायता करेंगे इस ये कूड़े के गेट से और ये जो खुला हुआ था मैलून का ढक्कन, इसको किस तरह सहायता करेंगे? जो आज हमने यहाँ भावी मेरा आपके द्वार में जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं, अगले हफ्ते हम उसमें सारा कार्य करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, शासन प्रशासन के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, ललकार लगाएंगे, फटकार लगाएंगे और ये कूड़े के ढेर, मेन हॉल का ढक्कन और अंदर की बस्ती की सफाई, पीने का पानी, पानी की निकासी, अनेकों अनेक दिक्कतें हैं इनकी जो मैं सारी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। हम पूरा अपनी जान लगा देंगे, अगर वो मान जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो उनको समझा दो हम मेयर बन के आ रहे हैं, पार्षद बन के आ रहे हैं, तुमसे हम काम जो है लेना जानते हैं। और वार्डों की तरह इस वार्ड की भी आप सुविधा बनाएंगे, जैसे और वार्डों में आपने सुविधाएं दी हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह ऐसे इस वार्ड की भी इस तरह ही होगी? सुनिए, ये मेयर ओपी वर्मा सबके लिए है, सबके साथ है, वार्डों में बटा नहीं है वार्ड, ये हमारा फरीदाबाद शहर है, फरीदाबाद शहर में 65 परियोजनाएं लाएंगे, झील और झीलों को हरा भरा, रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अनेकों अनेक योजनाएं हमारे पास है, मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाएंगे। निशा खरालिया और ओपी वर्मा, विरोधी सरकार तो इसको स्मार्ट सिटी बताती है, वो नाम से है, हम स्मार्ट से भी स्मार्ट बना के दिखाएंगे, उनको समझ आएगा स्मार्ट सिटी क्या होती है, दिल्ली और नोएडा से आगे बढ़ाकर फरीदाबाद को हम आपके सामने बना के और आपको उस टाइम अपना आप साबित करेंगे कि हम जो कहते थे वो करके दिखा दिया। निशा जी क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? पानी की निकासी की कोई भी सुविधा नहीं है और अंधेरी गलियां हैं और हर तीसरे दिन नोटिस आ जाते हैं यहाँ लोगों को की झुग्गियां तोड़ने के लिए, कच्ची झुग्गियां हैं, कच्चे मकान हैं यहाँ लोगों के। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी पार्टी की जीती है बाढ़ में क्या क्या सुविधा कर पाएंगे? सर सारी सुविधाएं जो वो डिजर्व करते हैं, यहाँ कम से कम 50-60 साल से लोग रह रहे हैं और अब उनसे पीने का पानी के भी खरीद कर उन्हें पीना पड़ता है पीने का पानी। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा, आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा,
हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। देश की शक्ति, शौर्य और स्वाभिमान है तिरंगा। जल थल और नभ के हर प्रहरी की जान है तिरंगा। सेना के बुलंद जोश, हर जांबाज का अरमान है तिरंगा। हर सख्त चुनौती को जीतने का प्रण उठाएं, तिरंगे की ताकत से देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं।